अध्याय 586 महाप्रभु की बाल्य तथा कैशो लीलाएं। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था प्राप्त करने के पूर्व के कार्यकलापों का अर्थात कैशो लीला का पूरी तरह से वर्णन है। इसी काल में उन्होंने गहन अध्ययन किया और प्रकांड पंडितों पर विजय पाई। कैशो लीला के दौरान उन्होंने जलकेली भी की। वे आर्थिक सहायता प्राप्त करने, ज्ञान के अनुशीलन के लिए तथा संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए पूर्वी बंगाल गए, जहां उनकी भेंट तपन मिश्र से हुई, जिनको उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उपदेश दिया और वाराणसी जाने की आज्ञा दी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्वी बंगाल की यात्रा पर थे, तब उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को सर्प ने अथवा विरहरूपी सर्प ने डस दिया और वह दिवंगत हो गई। जब महाप्रभु घर लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी की मृत्यु के कारण उनकी माता अत्यंत शोकाकुल थी। अतएव उनके अनुरोध पर महाप्रभु ने बाद में विष्णुप्रिया देवी के साथ विवाह कर लिया। इस अध्याय में सुप्रसिद्ध पंडित केशव काश्मीरी के साथ महाप्रभु का शास्त्रार्थ तथा गंगा माता की महिमा संबंधी उनके स्तोत्र की महाप्रभु द्वारा आलोचना का भी वर्णन हुआ है। इस स्तोत्र में महाप्रभु ने 5 प्रकार के साहित्यिक अलंकार तथा 5 प्रकार के साहित्यिक दोष निकालकर उस पंडित को पराजित किया। बाद में देश भर में विजयी की ख्याति वाला काश्मीरी पंडित देवी सरस्वती की शरण में आया और उनके आदेश से दूसरे दिन महाप्रभु से उसने भेंट की तथा उनकी शरण ग्रहण की। कुशो मुषा भवजित समाविश्व्याशाल ग्रजशी नीच टेशो जनो छाणी एक एडना थंडू नौ छट शून्य कृपा सुधा सरिगरस्य विश्वमाप्लाव्यंत्यपि नीच गैव सदा भाति त चैतन्य प्रभुन भजे। एक अनुवाद में उन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ, जिनकी अमृतमयी कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को आप्लावित करती हुई प्रवाहित होती है। जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ है। तात्पर्य नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। वे महाप्रभु से कृपा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे कृपावतार हैं, जिनका आविर्भाव विशेषतया पतितों के उद्धार के लिए ही हुआ है। जो जितना अधिक पतित होता है, वह महाप्रभु की कृपा का उतना ही बड़ा दावेदार होता है, किंतु उसे अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर होना चाहिए। यदि कोई कलयुग के सारे दुर्गुणों से कलुषित होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाता है, तो महाप्रभु उसका निश्चित रूप से उद्धार करेंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जगाई तथा माधाई है। इस कलयुग में लगभग हर व्यक्ति जगाई तथा माधाई जैसा है, लेकिन महाप्रभु ने जिस संकीर्तन आंदोलन रूपी महान नदी का प्रचार किया था, वह आज भी समग्र संसार को आप्लावित करती हुई बह रही है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानामृत संघ सारे पतितात्माओं को कलमश रहित करने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहा है। ओम झमली हेफना छाम मीयानन एयमोटिबोफनय छम तनोव छक्कयुत्तीन जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वै चंद्र जय गौर भक्त वृंद। दो अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अथैचंद की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जौबरा तिपकट गैसात उतना भूई बछा भरिंशलधाब नफ्राटिदांश वांटल का शिनोश उतनी उमश्छनान सात ज्ञात कैशो चैतन्यो मूर्ति भत्या गृह श्रमात् लक्ष्म्याचितो पांच थवार देव्या दिशान जयी जय छलातु। तीन अनुवाद कैशो अवस्था को प्राप्त श्री चैतन्य महाप्रभु दीर्घ जीवी हों। लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती थीं। सरस्वती ने विश्वविजयी पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की, तो लक्ष्मी देवी ने घर में उनकी पूजा की। चूंकि वे दोनों देवियों के पति या स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अंडे ऊ तरकट नीव नीनांत मूब अनुवक्ष गिमा शंख शजांडच कबनीना जांग छ एट एड कैशो लीलार सूत्र अनुबंध शिष्य गण पढ़ाईते करीला आरंभ चार। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे थे। यहीं से उनकी किशोरावस्था प्रारंभ होती है। जन तर्शिया जत्न जना जशांशन कांका उनी जर्व तलाटकन छभकेज मन शत शत शिष्य सड़े सदा अध्यापन व्याख्या शुनी सर्वलोके चमकित मन पांच अनुवाद। जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेकानेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। गर्व बौत्स गर्द शपची शांग शत्राक्स विनय छजीटच कांत्याणु थैंग मानशी छम सात सर्व शास्त्रे सर्व पंडित पाए पराज विनय भरीते कारो दुहक नहीं है। छह अनुवाद महाप्रभु ने शास्त्रार्थ में सभी प्रकार के पंडितों को हराया, तथापि कोई भी पंडित महाप्रभु की विनयशीलता के कारण दुखी नहीं हुआ। विविश डक्कछा कटत मिसा शंगे मदम झाजुबिटच झान टेक्नी कट मानना जत्स एक विविध औद्धत्य करे शिष्य गण सडे जाहनविते जल केली करे नाना रड्ढे। सात अनुवाद जब महाप्रभु शिक्षक थे तब वे गंगा के जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कछमिटन टरेन थद्ध वटमच भैगन थाइथांग्र छाइल और ग्रांग्र माम मजलैरून सात कद दिने कई प्रभु बढ़ेते गमन राहा ग्राय ताहा लोवाए नाम सड्डीर्तन। आठ अनुवाद कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्व बंगाल गए और वे जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। तात्पर्य यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गुरु शिष्य परंपरा के उनके भक्तगण सभी कोटियों के पंडितों वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को तर्क में परास्त कर सकते,
हैं और इस तरह भगवान की श्रेष्ठता स्थापित कर सकते हैं, किंतु प्रचारक के रूप में उनका मुख्य कार्य सर्वत्र संकीर्तन का शुभारंभ करना है। प्रचारक का कार्य मात्र पंडितों और दार्शनिकों को पराजित करना नहीं है। प्रचारकों को चाहिए कि वे साथ साथ संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात करें, क्योंकि चैतन्य संप्रदाय का यही प्रयोजन है। विफतांत थर्छाव चलूथी छगजकांत छिटच शेव गनु शंजुबा जाम्भी मांगिना शनफिट चार विद्यार प्रभाव देरी चमत्कार चिते शत शत पढ़या आसी लागला पढ़ते नौ अनुवाद चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति के प्रभाव से चकित होकर सैकड़ों विद्यार्थी उनके निर्देशन में अध्ययन करने के लिए आने लगे। मरे टहलिय विश नाम विच्छन निकन कलनिच बांत भांसा मानधन शून्य शून्य सद देशे विप्र नाम मिश्र तपन निश्चय करते नारे साध्य साथन दस अनुवाद पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण था जो निश्चय नहीं कर पा रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जाए। तात्पर्य पहले जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने के उपाय के बारे में विचार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को बतलाता है कि जीवन का यह उद्देश्य कृष्ण को समझना है और उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना का अभ्यास प्रामाणिक शास्त्रों तथा वेदों के संदर्भ में गोस्वामियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए। नदु बात स्वरू वांटका छिटच जब छम जानशा जानथन टलछ ना हम मिक्ष शून्य शून्य बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित ब्रह्म है साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय 11 अनुवाद यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। तात्पर्य श्रीमद्भागवत 7.13.8 में कहा गया है ग्रंथा नैवाभय से बहुन व्याख्याम उपयोगियत न तो अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए न ही अनेक पुस्तकों को उच्चारण करने का पेशा अपनाना चाहिए विशेषतया यदि व्यक्ति भक्त हो। मनुष्य को विद्वान बनकर संसारी ख्याति तथा आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने का मोह त्याग देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनेक पुस्तकें पढ़ने में अपना ध्यान बटाता है तो वह अपना मन भक्ति में स्थिर नहीं कर सकता न ही वह अनेक शास्त्रों को समझ सकता है क्योंकि वे गूढ़ कथनों और अर्थों से परिपूर्ण होते हैं। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि जो लोग विविध विषयों का साहित्य विशेषतया सकौम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन से संबंधित साहित्य पढ़ते हैं वे ध्यान बढ़ जाने के कारण अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। मनुष्य में सकौम कर्म धार्मिक अनुष्ठान तथा दार्शनिक चिंतन के प्रति सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। अनंत काल से मोहग्रस्त जीव जीवन के असली लक्ष्य को नहीं समझ सकता और इस तरह उसके जीवन में किए गए कार्य व्यर्थ जाते हैं। अबोध व्यक्ति इस प्रकार भटक कर अनन्य कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवंत उदाहरण तपन मिश्र है। वह विद्वान व्यक्ति था किंतु वह जीवन के लक्ष्य को निश्चित नहीं कर पाया था। अतएव उसे अवसर दिया गया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हों तब वह उनकी वाणी को सुने। तपन मिश्र को दिया गया श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश उन व्यक्तियों के लिए विशेषतया महत्वपूर्ण है जो इधर उधर घूमते रहते हैं और पुस्तकें एकत्र करते हैं किंतु किसी को पढ़ते नहीं। इस तरह वे जीवन के लक्ष्य के विषय में उलझन में पड़े रहते हैं। अटश धक वित कटय खंदा जूषण निर्मा की शिंडित शॉट कब्र भैंशन शून्य नौ स्वप्ने एक विप्र कहे शून्य तपन निमाजी पंडित पाशे करह गमन 12 अनुवाद इस प्रकार से मोहग्रस्त तपन मिश्र को स्वप्न में एक ब्राह्मण ने निर्देश दिया कि तुम निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। आठ डेंच दछाम भांत जांघा मानधन कबनिट बिकमैग जा कांज टंटिश मांश की मश्वंग शून्य सात ते हो तो मार साध्य साधन करिबे निश्चय साक्षात ईश्वर ते हो नाहिक संशय 13 अनुवाद उस ब्राह्मण ने कहा चूंकि वे साक्षात ईश्वर हैं अतएव वे निस्संदेह तुम्हारा सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। अष्टर्णी मिले जानजी थडन छिटने अक्षत्र ब्रांड जब तैकल मिटवनन शून्य आठ स्वर्ण देखी मिश्र आसी प्रभु चरणे स्वप्नेर वृतान सब कई निवेदने 14 अनुवाद स्वन देखने के बाद तपन मिश्र महाप्रभु के चरणों की शरण में आए और उन्होंने महाप्रभु से स्वप्न का विस्तार से वर्णन किया। थंडू जुड़े छग मानथा गांथन कधीन नाम मजलेदन कन छेषित्यम टेकन 57 प्रभु तुष्ट हजा साध्य साधन कहिल नाम सदीर्तन कर उपदेश कई 15 अनुवाद महाप्रभु ने संतुष्ट होकर उसे जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता की कुंजी भगवान पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश पर आधारित है कि मनुष्य को नियमित रूप से तथा विधि विधानों के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हम अपने पाश्चात्य अनुयायियों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि वे इतना भी जप नहीं कर पाते क्योंकि वे अनेक गंभीर पुस्तकें तथा पूजा की विधियां लाते रहते हैं जो उनके ध्यान को कई तरह से बंटा देती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय हरे कृष्ण मंत्र के जप कीर्तन पर आधारित है। भगवान चैतन्य ने तपन मिश्र से कहा कि पहले वह अपना मन हरे कृष्ण के कीर्तन पर एकाग्र करे। हमें अर्थात कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश का हृदयता से पालन करना चाहिए।
डींगर धश्चो थंडू मठ बवचीटेश्वनी थैंडु जानप्ली क्षुति गा सात वांग्रांजी 057 तार इच्छा प्रभु सर्दे नवद्वीपे वसी प्रभु आज्ञा दिल तुम्ही ग्राव वाराणसी 16 अनुवाद तपन मिश्र की इच्छा थी कि वह महाप्रभु के साथ नदद्वीप में रहे, किंतु महाप्रभु ने उसे वाराणसी बनारस जाने के लिए कहा। ओएनडी जाम्भमा जग्न तछान घान शट वेन नगेन जाखा शांजक गिल देकन कांगोइटेड भैबन 01 ताहा आमासड़े तोमार हबे दर्शन आज्ञा पाजा मिश्र कई काशीते गमन 17 अनुवाद महाप्रभु ने तपन मिश्र को आश्वस्त किया कि वे पुनः वाराणसी में मिलेंगे। ये आज्ञा पाकर तपन मिश्र वहां चले गए। थंडूक जुड़कग नीना विकिच ना शांति अवमन्न छाजांजक टकटन शोथांग्र कांगी शुत्री 00 प्रभुर अतर्क्य लीला बुझते ना पारी स्वसर छाड़ा के ने पाठाए काशीपुरी 18 अनुवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को नहीं समझ सकता क्योंकि तपन मिश्र महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहना चाहते थे किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया। तात्पर्य तपन मिश्र जब महाप्रभु से मिले थे तब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन बिता रहे थे और ऐसा कोई संकेत न था कि भविष्य में वे संन्यास ग्रहण कर लेंगे, किंतु तपन मिश्र को वाराणसी जाने के लिए कहने से यह सूचित होता है कि वे भविष्य में संन्यास लेंगे और जब वे सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे होंगे तब तपन मिश्र भी जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने के बारे में शिक्षा पाने के अवसर का लाभ ले सकेंगे। आठ द बम वत्न तुलाट का देखला भष्य छी नांद छिगना छत हैन शजांड श्रैंडेड 507 एडमत बढ़े अलोके कैला महाहित नाम दिया भक्त कैल पढ़ा पंडित 19 अनुवाद। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरि नाम अर्थाई हर कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दीक्षित करके तथा उन्हें शिक्षा देकर विद्वान बनाकर उन पर बड़ा उपकार किया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिह्नों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण कर रहा है और पूरे विश्व में लोगों को जप कीर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोगों को हम ऐसे दिव्य साहित्य का विपुल भंडार दे रहे हैं जो विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से खूब बिकता है। इसके साथ ही लोग बड़े आनंद से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। यही चैतन्य संप्रदाय की प्रचार विधि है। चूंकि महाप्रभु की इच्छा थी कि यह संप्रदाय सारे विश्व में फैले, अतएव अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ विनम्र ढंग से कार्य कर रहा है जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु का यह स्वप्न सारे विश्व में विशेषतया पाश्चात्य देशों में पूरा हो सके। दे मच बल थंद कटत मांबा नौला थशा नवशीत नजी विवत्य छु चारशी देशना 20 एड़ मत बड़े प्रभु करे नाना लीला अथ नवमी पे लक्ष्मी विरहे दोखी हेला 20 अनुवाद। महाप्रभु पूर्वी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हुए थे, अतएव उनकी पतली लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थी। थैदुत विघ्न मर्श नकीट नश्निन विभव जर्ष विच्य छीव शक्टलांक हेल 25 प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रे दंशल विरह सर्प विषय तार पलोक हेल 21 अनुवाद। विरहरूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया। इस तरह वे परलोक सिधार गई, वे भगवत धाम वापस चली गईं। तात्पर्य भगवद्गीता 8.6 में कहा गया है, ये वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो जीवन भर जैसा सोचता है उसी के अनुसार मृत्यु के समय उसके विचारों का निर्णय होता है और इस तरह मृत्यु के समय उसे उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वैकुंठ लोक से आई लक्ष्मी देवी महाप्रभु के विरह में उन्हीं के विचारों में मग्न रहने के कारण मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चली गईं। अटन फोनिना थैडू गांठ जडेयागी हटगट जाडला थेद गंशी एरु 44 सुवानी 39 अंतरे जानिला प्रभु ग्राते अंतर्ग्रामी देशेरे आयला प्रभु शच्ची दुहक जानी 22 अनुवाद। लक्ष्मी देवी के तिरोधान को महाप्रभु जान गए थे क्योंकि वे स्वयं परमात्मा हैं। इस तरह वे अपनी माता शचती देवी को सांत्वना देने घर लौट आए, जो अपनी पुत्रवध कुएं देहावसान के कारण अत्यंत दुखी थी। शतक जाडिना थैद वच नम शंझन और छोट एकना गणिवन छू चार्थ विदाम पेम 47 घरे आयला प्रभु बहुला धन जन तत्व ज्ञाने कैला शचीर दुहक विमोचन 23 अनुवाद। जब महाप्रभु प्रचुर धन तथा अनेक अनुयायियों के साथ घर लौटे तो उन्होंने शची देवी को शोक से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। तात्पर्य भगवद्गीता 2.13 में कहा गया है, वदेहिनो 5 स्मिन यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्रपिधरितत न मोहयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। भगवद्गीता अन्य वैदिक साहित्य के ऐसे श्लोक किसी की मृत्यु के अवसर पर मूल्यवान उपदेश देते हैं। भगवद गीता अथवा श्रीमद्भागवत ऐसे उपदेशों की चर्चा करने से गंभीर व्यक्ति समझ सकता है कि आत्मा कभी भी मरता नहीं, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे में चला जाता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। आत्मा इस भौतिक जगत माता है और पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, संतान के साथ शारीरिक संबंधों को जन्म देता है, किंतु ये सारे संबंध शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। अतः भगवद्गीता में जैसा कहा गया है, धीरस्तत न मोहमति, जो धीर गंभीर है वह इस भौतिक जगत में ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होता।
ऐसे उपदेश तत्व कथा अर्थात असली सत्य कहलाते हैं। शिखु शैबलेशु नाट विष्टांत लिलोंग विलता वटल जवान जिन्मी छेक्षा थरकांबे 28 शिष्य गण लजा पुनः विद्यार विलास विद्या बले सभा जिनी औद्धत्य प्रकाश 24 अनुवाद। पूर्वी बंगाल से लौट आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने हर एक पर विजय प्राप्त की और इस तरह वे अधिक गर्व का अनुभव करने लगे। उदय विखरिशीना आंक उपनांगीन शजनंत उपछ कंत्रिन थर्ड मिश्चिंगी उग 927 तबे विष्णु प्रिया ठाकुर पारणी इंद्र तबे तक करिल प्रभु दिग्विजयी जय 25 अनुवाद। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी विष्णु प्रिया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव काश्मीरी नामक दिग्विजयी विद्वान को पराजित किया। तात्पर्य जिस प्रकार वर्तमान समय में खेल के अनेक विजेता होते हैं उसी तरह पुराने जमाने में भारत में अनेक विद्वान पंडित होते थे जो विद्या के विजेता होते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति केशव काश्मीरी था जो काश्मीर राज्य से आया था। वह सारे भारत में घूम चुका था और अंत में वह नवद्वीप के पंडितों को चुनौती देने वहां आया। दुर्भाग्यवश वह नवद्वीप के पंडितों को नहीं जीत पाया क्योंकि वहां पर वह एक बाल पंडित चैतन्य महाप्रभु द्वारा पराजित हो गया। बाद में वह समझ सका कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस तरह वह उनके शरणागत हो गया और बाद में निम्बाक संप्रदाय में शुद्ध वैष्णव बन गया। उसने निम्बाक संप्रदाय के वेदांत भाष्य पर कौस्तुभ प्रभा नामक एक टीका लिखी जिसे पारिजात भाष्य कहा जाता है। भक्ति रत्ताकमरे केशव काश्मीरी का उल्लेख है तथा निम्बाक संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा में उनके पूर्ववर्ती भक्तों की सूची इस प्रकार दी हुई है। 1 श्रीनिवास आचार्य 2 विश्व आचार्य 3 पुरुषोत्तम 4 विलास 5 स्वरूप 6 माधव 7 बलभद्र 8 पद्म 9 श्याम 10 गोपाल 11 कृपा 12 देव आचार्य 13 सुंदर भट्ट 14 पद्मनाभ 15 उपेंद्र 16 रामचंद्र 17 वामन 18 कृष्ण 19 पद्माकर 20 श्रवण 21 भूरी 22 माधव 23 श्याम 24 गोपाल 25 बलभद्र 26 गोपीनाथ 27 केशव 28 गोकुल तथा 29 केशव काश्मीरी। भक्ति रलाकर में कहा गया है कि केशव काश्मीरी सरस्वती देवी का प्रिय भक्त था। उन्हीं की कृपा से वह नामी पंडित बना और देश के चारों कोनों के विद्वानों में सबसे महान था। इसीलिए उसे दिग्विजय की उपाधि मिली थी जिसका अर्थ था वह जिसने सारी दिशाओं के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह काशगीर के एक अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का था। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उसने दिग्विजय करना छोड़ दिया और महान भक्त बन गया। वह वैदिक संस्कृति के वैष्णव संप्रदायों में से निम्बाक संप्रदाय में सम्मिलित हो गया। वृन्मावन नाच देश कवि ग्रांटाशन विछांस खफ नांशी कटत दराय और टनंत विछांत 27 वृंदावन दास यह कर्याचेन विस्तार स्फुट नाही करे दोष गुण विचार 26 अनुवाद। वृंदावन दास ठाकुर पहले ही इसका विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। जो स्पष्ट है उसके गुण दोषों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। जुड़े जशक कशी जाट कमली नमकांस था उन्हीं शिशविंशो तेकन जानशना शिकांत 21 से ही अंश कही तारे करी नमस्कार ग्रा शुनि दिग्विजयी कैल अपना धिक्कार 27 अनुवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर को नमस्कार करके मैं महाप्रभु द्वारा की गई व्याख्या के उस अंश का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर दिग्विजयी ने स्वयं को धिक्कारा। आठ अंतांजमाओं ब्रांडी थैद शिवा गे मटम समिश्नाक्षण नाजिक विक्तों थमचत 40 ज्योत्स्नावती रात्रि प्रभु शिष्य गण सढ़े वसिया छिंग गज्जातिरे विद्यार प्रसिडे 28 अनुवाद। एक बार पूर्णमासी की रात को महाप्रभु अपने अनेक शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे बैठकर साहित्यिक चर्चा कर रहे थे। एनकांटन सिशमचित जी छाशन छी जान देना अयजांट वन जम कब्रे थे धट शिनीना 27 हैन काले दिग्विजयी ताहाडी गायला गणारे वंदन करी प्रभुरे मेलेला 29 अनुवाद। संयोगवश पंडित केशव काश्मीरी भी वहां आया। उसने माता गंगा की स्तुति की और फिर वह चैतन्य महाप्रभु से मिला। न जायला वो आंट ठंडू जात का बिगना फिंश्रेजती कटश मटन जवन छा कबलिगना 70 वसाइला तारे प्रभु आदर करिया दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया 30 अनुवाद। महाप्रभु ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया किंतु केशव काश्मीरी अत्यंत अभिमानी था अतएव उसने महाप्रभु के साथ उपेक्षा पूर्वक बातें की। कांतबन शेरांड निर्माण शशि टछाम्बांत नांद वाना बोन्स टलांटेक टछान घांत कटिश सात ने शौर्य 70 व्याकरण पढ़ा निमाजी पंडित तोमार नाम बाल्य शास्त्र लोकह तोमार कहे गुणग्राम 31 अनुवाद। उसने कहा मैं समझता हूँ कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं और आपका नाम निमाई पंडित है। लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ाने की बहुत प्रशंसा करते हैं। तात्पर्य पहले के जमाने में संस्कृत पाठशालाओं में सर्वप्रथम अच्छी तरह से व्याकरण पढ़ाया जाता था और यह प्रथा आज भी चल रही है। विद्यार्थी को प्रारंभिक 12 वर्ष तक व्याकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना पड़ता था। कईयों की संस्कृत भाषा के व्याकरण में दक्ष होने से उसके लिए समस्त शास्त्रों के द्वार खुल जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाने के लिए विख्यात थे इसीलिए केशव काश्मीरी ने पहले उन्हें व्याकरण के शिक्षक के रूप में संबोधित किया। उसे अपने साहित्यिक जीवन के प्रति अत्यधिक गर्व था।
वह व्याकरण की प्रारंभिक शिक्षा से बहुत ऊपर था, इसलिए निमाई पंडित को अपने साथ किसी भी प्रकार से तुलना योग्य नहीं समझ रहा था। सगाकज ने मटक झतानी शेजांश कलांश उनन याशिच टांगाओ गशित्यान मशनांत उन्यासी व्याकरण मध्य जानी पढ़ा कलाप शुनिलु फाटिते तोमार शिष्यर संलाप 32 अनुवाद। मैं समझता हूँ कि आप कलाप व्याकरण पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के शब्द जाल में अत्यंत पटु हैं। तात्पर्य, संस्कृत भाषा में व्याकरण की कई शैलियां हैं, जिनमें से पाणिनी तथा कलाप और कौमुदी व्याकरणों की पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। व्याकरण की अनेक शाखाएं होती थीं और व्याकरण के विद्यार्थी यह सब 12 वर्षों में सीखते थे। निमाई पंडित नाम से विख्यात चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते थे, जो जटिल व्याकरण के शब्द जाल के प्रयोग में विशेष दक्ष बन जाते थे। व्याकरण का अध्ययन करने वाला कोई भी दक्ष व्यक्ति व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति बदलकर शास्त्रों की कई प्रकार से व्याख्या करता है। कभी कभी एक व्याकरण का छात्र व्याकरण नियमों की जादूगरी से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल सकता है। केशव काश्मीरी ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य किया कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु व्याकरण के अच्छे शिक्षक हैं, किंतु शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ ऐसी जादूगरी करना बहुत बड़े पांडित्य का सूचक नहीं होता। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए चुनौती थी। चूंकि केशव काश्मीरी और निमाई पंडित में शास्त्रार्थ पूर्व निर्धारित था, अतएव केशव काश्मीरी ने पहले से ही महाप्रभु को झूठी धौंस दिखाना शुरू कर दिया। तब महाप्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया, थैदू कटच वान कप शेजाई अडिशाना कंजी मिचिटच नाबुया जाम्बी बुकार्टिच नांधी सथतर। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी शिष्यते ना बुझे आमी बुझाते नारी 33 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, हाँ, मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य ये है कि न तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित कर पाता हूँ, न ही वे मेरी बात ठीक से समझ पाते हैं। तात्पर्य, चूंकि केशव काश्मीरी कुछ गर्वित था, अतएव महाप्रभु ने अपने आप को उससे नीचा प्रस्तुत करके उसके कृत्रिम गर्व को बढ़ा दिया। इसलिए महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा इस प्रकार की, कान जुथी मर्व गोटल कवित्व थमवीश कान जाम्बी जय की सात और शेजुग्रा नवीन 78 कहाँ तुम्हें सर्वशास्त्रे कवित्व में प्रवीण कहाँ आमी सबे शिशु पढ़या नवीन 34 अनुवाद। हे महाशय, कहाँ आप सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित और कविता रचने में अत्यंत अनुभवी और कहाँ मैं एक बालक नया विद्यार्थी मात्र। आठ डांगांत कविद्य किच दु छमिटच दुस्मन कुशो कबनी कब गरी भंग्यांत वर्णन 77 तोमार कवित्व किचु शुनिते हय मन कृपा करी कर वृद्धि गर्धरार वर्णन 35 अनुवाद। अतएव मेरी इच्छा आपके मुख से आपकी कविता रचना का कौशल सुनने की है। यदि आप कृपा करके माता गंगा के यश का वर्णन करें तो हम सब सुने। खना बांचन अटवर्णिच नाम भी ना घगे अटक शंच हसनोक भत्रांत वर्णिना 77 शुनिया ब्राह्मण गे वर्णिते लागला घटी एक शत एलोक गड्ढार वर्णिला 36 अनुवाद। जब उस ब्राह्मण केशव काश्मीरी ने यह सुना तो वह और भी गर्वित हुआ और घंटे भर के ही भीतर उसने गंगा माता का वर्णन करते हुए शख्स और एलोक रच डाले। उनिग्ना कन्निन थैंडू व छच मचकांत डांबा जब शिशिबीत सात छ कली नानशी जांत 71 शुनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार तोमा सम पृथ्वी ते कवि नहीं आर 37 अनुवाद। महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाशय, सारे संसार में आपके समान दूसरा कवि नहीं है। आठ डांगांत कविछा सकलोक वुविच कांगस शक्ति जुबी डांग जहान जर्श किश्वा मवचड़ी 77 तोमार कविता एलोक बुझते कार शक्ति तुम्ही भाल जान अर्थ किवा सरस्वती 38 अनुवाद। आपकी कविता इतनी कठिन है कि उसे आप तथा विद्या की देवी माता सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। तात्पर्य, महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को व्यंग्य में अप्रत्यक्ष रूप से ये कहकर उसकी कविता का महत्व कम कर दिया कि आपकी कविता इतनी सुंदर है कि आप तथा आपकी आराध्य देवी सरस्वती ही इसे समझ सकते हैं। केशव काश्मीरी माता सरस्वती का प्रिय भक्त था, किंतु चैतन्य महाप्रभु देवी सरस्वती के भी स्वामी होने के कारण उनके भक्तों के बारे में व्यंग्य वचन कहने का अधिकार रखते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि केशव काश्मीरी को गर्व था कि उसे देवी सरस्वती को कृपा प्राप्त है, किंतु वह यह नहीं जानता था कि वे देवी सरस्वती तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के नियंत्रण में है, क्योंकि महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब किशोर का झर्द गण कम निजमुख्या रनी जब तुलाक शिंडिव व मूष 77 एक एलोकेर अर्थ वृद्धि कर निजमुखे शुनी सब लोग तबे पाए बड़ सुखे 39 अनुवाद। किंतु यदि आप एक श्लोक का अर्थ व्याख्या करके कहें तो हम सब स्वयं आपके मुख से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। उदय शिशुजयी कांक्षां टिशोक शुष्णी अंशतुर कर अकृष्णोक थे दू शफिल 80 तबे दिग्विजयी व्याख्यार एलोक पुछिल शत एलोकेर एक एलोक प्रभु तो पढ़ी 40 अनुवाद। दिग्विजयी केशव काश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं। तब महाप्रभु ने केशव काश्मीरी द्वारा रचे 100 एलोकों में से एक श्लोक सुनाया। भूई एक शरजांग्रा मजट शुभिष्मान डांची मिच बनाई बहत्याथी विष्कन ग्रभ का घटलान जेडी भूचनी दिलीगली नपीग्रभ मुजनेश्वरश ए छत्रना उवानी छुगी भित्रमी विछवछायुच सातवी 80 महत्वम गढ़ाया सततमिद माभाती नितरा भ्रदेश श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा।
द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरार्चे चरणा भवानी भरतुर ब्रशिर्सी विभवत्यत भदूत गुना 41 अनुवाद। माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती हैं। वे द्वितीय लक्ष्मी हैं, इसीलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। अरे ट्यूट कव जर्श कन थंडुगति ट्रैवल विभ्रिडी और चार शमशिश्विजनी थे धुरत शुषिन 83 एड श्लोकें अर्थ कर प्रभु ग्रदि बैल विस्मित हजा दिग्विजय प्रभुरे पुछिल 42 अनुवाद। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए कहा तो दिग्विजयी ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, वाक्षावाउ थांग जाम्भी टिशोंक शफिल ओआंग भट्ठा टशमोंक जुथी हकटच करके तैकल 87 झज्झावात प्रायामी श्लोक पढ़ील अल्पविराम डॉट तार मध्य श्लोक तुमी कैचे कंठे कई 43 अनुवाद। मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए हैं, तुमने उन श्लोकों में से इस एक श्लोक को किस तरह ठीक से कंठस्थ कर लिया? थैजू कटड एयटवन वदय जुभी कवि वज जय टमटवंत वत्य टक्टिशम वंडिशंस 88 प्रभु कहे देवेर वरे तुमी कविवर एचे देवेर वरे के हो है श्रुतिधर 44 अनुवाद। महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस तरह भगवान की कृपा से कोई कोई महाकवि बनता है, उसी तरह उन्हीं की कृपा से कोई कोई महान श्रुतिधर भी बन सकता है जो किसी चीज को तुरंत स्मरण रख ले। तात्पर्य यहाँ द्वितिधर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रुति का अर्थ है सुनना तथा धर का अर्थ है धारण करने वाला। कलयुग के प्रारंभ होने के पूर्व विशेषकर बुद्धिमान ब्राह्मणों में प्रायः हर कोई श्रुतिधर होता था। ज्यों ही कोई विद्यार्थी अपने गुरु से कोई वैदिक स्तोत्र सुनता तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसे स्मरण कर लेता था, किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए उन दिनों लिखित पुस्तकें नहीं होती थीं। गुरु वैदिक स्तोत्र पढ़ता और उनकी व्याख्या विद्यार्थियों को बताता था और वे उन्हें सदा के लिए बिना पुस्तक देखे कंठस्थ कर लेते थे। श्रुतिधर बनना विद्यार्थी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवद गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, यद यद विभूतिमत्सत्वम श्रीमदुर्नितमेव वा तद तद 1/317 तेजो 5 संसंभवम जान लो कि सारी सुंदर महिमान्वित तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न होती हैं। जब हम कोई असामान्य वस्तु देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी असाधारण वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का फल है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिग्विजयी केशव काश्मीरी से कहा कि जिस तरह उसे माता सरस्वती का प्रिय भक्त होने का गर्व है, उसी तरह कोई अन्य भी जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का प्रिय पात्र होकर श्रुतिधर बन सकता है और इस तरह से वह कोई बात सुनकर उसे तुरंत कंठस्थ कर सकता है। थोटकबत अर्थ तकन विश्वरिया जधाया थैडू कटई कच टपनोट का किया 71/87 एलोकेर अर्थ कई विप्र पाया संतोष प्रभु कहे कह एलोकेर किबा गुण दोष 45 अनुवाद। वह ब्राह्मण केशव काश्मीरी महाप्रभु के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ बतलाया। तब महाप्रभु ने कहा, कृपया इस एलोक के कुछ विशेष गुणों और दोषों की भी व्याख्या कर दें। तात्पर्य यद्यपि ब्राह्मण ने 100 श्लोकों को आंधी की तरह तेजी से सुनाया था, किंतु महाप्रभु ने उनमें से एक श्लोक को चुनकर न केवल उसे कंठस्थ कर लिया अपितु उसके गुण दोषों का भी विश्लेषण किया। उन्होंने श्लोक को केवल सुना ही नहीं अपितु तुरंत ही उसका आलोचनात्मक अध्ययन भी किया। विश्वकर टशांत नानशी एरोंड बन जाछांग उजबान हैं 7 किश्तु खनु थोक 87 विप्र कहे श्लोके नाही दोषय आभास उपमालटदार गुण किचु अनुप्रास 46 अनुवाद। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस श्लोक में नाम मात्र भी दोष नहीं है, प्रत्युत यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त है। तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत श्लोक की अंतिम पंक्ति में भवानी भरदुरी विभवती तथा अद्भुत शब्दों में भ अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसी आवृत्ति अनुप्रास कहलाती है। लक्ष्मीरिव तथा विष्णुश्चरण कमलोत्पत्ति में उपमा अलंकार आया है जो आलंकारिक सौंदर्य को प्रकाशित करता है। गंगा जल है एवं लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है, किंतु जल तथा व्यक्ति वास्तव में एक से नहीं होते, अतएव ये तुलना आलंकारिक है। थैजू कटून कडी यरफिन कबच त्याया कद्रछांघान 7 दे टशांत किया जांच दर्शांत 81 प्रभु कहें कही ग्रदी न करह रोष कह तोमार एड शलोके के बाद आछे दोष 47 अनुकाद। महाप्रभु ने कहा, हे महाशय यदि आप रूष न हो तो मैं कुछ कहूँ, क्या आप इस एलोक के दोषों की व्याख्या कर सकेंगे? जहानी 7 भर टमरांट 87 प्रतिभार काव्य तोमार देवता संतोधे भाल मते विचारिले जानी गुण दोषे 48 अनुवाद। इसमें संदेह नहीं कि आपकी कविता प्रतिभा से युक्त है और निश्चय ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट कर लिया है। फिर भी यदि हम इसकी समीक्षात्मक रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष दोनों मिल जाएंगे। जांच डां कलनी दबा कबनच विछांग कवि कटई चय कटिल टमडे ट्वच जांच 895 ताते भाल करी श्लोक करह विचार कवि कहे ग्रे कहिले सद वेद 49 अनुवाद। महाप्रभु ने अंत में कहा, अतर्वब हम इस एलोक की भली भांति विवेचना कर लें। तब उस कवि ने उत्तर दिया, हाँ तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह सही है। सागर कबन निग्ना ज्युति मानशीशास झांझांग
जुबी की झतनेट ते कवितुग्य जात शून्य शून्य व्याकरणिया तुम्हें नाही पढ़ अलड्ड भार तुम्हें की जानिबे एक कवितवे सार 50 अनुवाद। आप तो व्याकरण के सामान्य विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में आप क्या जानो? आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। तात्पर्य, केशव काश्मीरी ने पहले तो चैतन्य महाप्रभु को ये कहकर झांसा देना चाहा कि वे साहित्य के उन्नत विद्यार्थी नहीं है, अतएव वे अनुप्रासों तथा अलंकारों से युक्त श्लोक की समीक्षा नहीं कर सकते। इस तर्क में कुछ तथ्य था। जब तक कोई वैद्य न हो तब तक वह दूसरे वैद्य की आलोचना नहीं कर सकता। इसी तरह वकील हुए बिना किसी दूसरे वकील की आलोचना नहीं को जा सकती। इसीलिए केशव काश्मीरी ने पहले महाप्रभु की स्थिति की अवमानना की। चूंकि महाप्रभु उस पंडित के लिए मात्र व्याकरण के विद्यार्थी थे तो फिर वे उस जैसे महाकवि की आलोचना कैसे कर सकते थे? इसीलिए महाप्रभु ने कवि की आलोचना भिन्न ढंग से की। उन्होंने कहा कि यद्यपि वे साहित्य में पारंगत नहीं हैं, किंतु उन्होंने दूसरों से सुना है कि ऐसी कविता की समालोचना किस तरह करनी चाहिए, और चूंकि वे श्रुतिधर हैं इसलिए वे समालोचना की ऐसी विधि को समझ सकते हैं। थंडू कच्छन खज जब शुचित एछान शांत विछान जिग्ना सात गम तरहाया सुख्यांश जानघांट व सत्तर प्रभु कहे न तय पुछे तो मारे विचारिया गुण दोष बुझा हमारे 51 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, चूंकि मैं आपके स्तर का नहीं हूं, इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपनी कविता के गुण दोषों की व्याख्या करके मुझे सिखाएं। नांदी शधि खंडांश कबनिग्रांदी लंबन ओंटच डे ट्योटर टर्थी वरु ततायाँ सातना चार नाही पड़ी अलज जार करियाची श्रवण ताते एड श्लोके देखी बहु दोष गुण बावन। अनुवाद, निश्चय ही मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा, किंतु मैंने बड़े लोगों से इस संबंध में सुना है। अंतैव मैं इस एलोक की समीक्षा कर सकता हूं और इसमें अनेक दोष और अनेक विशेषताएं ढूंढ सकता हूं। तात्पर्य, करियाची श्रवण मैंने सुना है, ये कथन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष अध्ययन करने या अनुभव करने की अपेक्षा सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई सुनने में पटु हो और उपयुक्त व्यक्ति से सुने तो उसका ज्ञान तुरंत ही पूर्ण हो जाता है। यह विधि शौतपंथा अर्थात प्रामाणिक सत्ता से सुनकर ज्ञान प्राप्त करना कहलाती है। सारा वैदिक ज्ञान इसी सिद्धांत पर टिका है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर वेदों के प्रामाणिक कथन सुने जाएं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि का साहित्यिक व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। हाँ, पूर्ण व्यक्ति से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सुनने में दक्ष होना चाहिए। यह अवरोह पंथा या विधि कहलाती है। कवि करतीन कच्छी टकान शुंगम टलास ठंडू कटशन कदी झूम नाकबनित चौप सथतर कवि कहे कह देखी कौन गुण दोष प्रभु कहें कही शुन ना कर ही रोष 53 अनुवाद। कवि ने कहा, जरा देखें तो आपने कौन कौन से गुण और दोष ढूंढे हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूं कृपया आप रुष्ट हुए बिना सुने। भेकटाए दंडे च्योटक सात जंग झात कटम जाम भी कड़ी झन कंच व्यात 78 पन्य दोष एड एलोके पन्या लड्डार क्रमे आमी कही शुन करह विचार 54 अनुवाद। हे महोदय, इस एलोक में 5 दोष हैं और 5 अलंकार हैं, मैं क्रम से उन्हें कहूंगा, कृपया सुने और फिर अपना निर्णय दें। तात्पर्य, महत्वम गढ़ाया से प्रारंभ होने वाले श्लोक में 5 अलंकार हैं तथा 5 काव्य दोष के उदाहरण हैं। अभिरिष्ट विधेयांश दोष के 2 उदाहरण हैं और विरुद्धमति पुनरुक्ति तथा भरण क्रम के 1-1 उदाहरण हैं। वियुष्कटा अर्थ है स्वच्छ तथा विधेयांश का अर्थ है विधेय। रचना का सामान्य नियम है कि पहले उद्देश्य आए और फिर विधेय। उदाहरणार्थ, संस्कृत व्याकरण के अनुसार यदि कोई कहे कि ये पुरुष विद्वान है तो उसकी रचना ठीक है, किंतु यदि कोई कहे कि विद्वान ये पुरुष है तो ये रचना क्रमबद्ध नहीं है। ऐसा दोष अभियुष्ट विधेयांश दोष अर्थात अशुद्ध रचना कहलाता है। श्लोक का उद्देश्य है गंगा की महिमा, अतः विरदय ये शब्द को गंगा की स्तुति के पहले आना चाहिए था न कि बाद में। जो बात ज्ञात है उसे अज्ञात से पहले आना चाहिए जिससे इसका अर्थ गलत न समझा जाए। अभियुष्ट विधेयांश दोष का दूसरा उदाहरण द्वितीय श्रीलक्ष्मीरेव शब्दों में मिलता है। इस रचना में द्वितीय शब्द विधेय अर्थात अज्ञात है, अतः द्वितीय श्रीलक्ष्मीरेव समास बनाने में द्वितीय जो अज्ञात है उसे पहले रखना दोषपूर्ण है। द्वितीय श्रीलक्ष्मी की आप उद्देश्य गंगा की तुलना लक्ष्मी से करना था, किंतु इस दोष के कारण सामासिक शब्द भ्रामक बन गया है। तृतीय दोष विरुद्धम थी जो भवानी भर्तो में पाया जाता है। भवानी भव अर्थात शिव जी की पत्नी का द्योतक है। चूंकि भवानी का अर्थ ही है शिव पत्नी, अतः उसके साथ भर्ता पति शब्द जोड़कर समास बनाना जिसका अर्थ है शिव जी की पत्नी का पति नियम विरुद्ध है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि शिव पत्नी का कोई अन्य पति भी था। चौथा दोष पुनरुक्त की आई है जो विभवती क्रिया में है, जहां रचना समाप्त हो जानी चाहिए किंतु उसके भी आगे व्यर्थ का विशेषण अद्भुत गुफा लगा हुआ है। पांचवा दोष भरणक्रम है। इस श्लोक की प्रथम तृतीय तथा चतुर्थ पंक्तियों में अनुप्रास है जो त र भ शब्दों के कारण है, किंतु द्वितीय पंक्ति में ऐसा अनुप्रास न होने के कारण क्रम का भंग हो गया है। जबिब्रे विच्छेदनांश ने मुदेशी की छिच विकक मच्छी दशनकम शुंजान टहाय छिन सतहतर अभिमृष्ट विधेयांश दुहट ठाजी चिन्ह
विरुद्ध मति भग्न क्रम पुनरात दोष 357 अनुवाद। इस श्लोक में अविमिष्ट विधेयांश दोष दो बार आया है और विरुद्ध मति भग्न क्रम तथा पुनरात दोष एक एक बार आए हैं। भरतराव मधर इश्नीत शूल विद शशगा डर एक अंटर जनुवाण शौटच जऊ विथक सात गज्जार महत्व। श्लोके मूल विधेय इदम शब्दे अनुवाद पाछे अविधेय 56 अनुवाद। इस एलोक का मुख्य अज्ञात विषय विधेय गंगा का महत्व महत्वम गंगाया है और ज्ञात विषय उद्देश्य इदम शब्द से सूचित होता है जो अज्ञात के बाद रखा हुआ है। विथग जांटिश कशी छोटच कष्टिल खनुवाण अडनांति ट्योटकन जर्त कबनिश्नांश वान 761 विधेय आगे कही पाछे कहले अनुवाद। अडलागी एलोकेर अर्थ करियाछे बाद 57 अनुवाद। चूंकि आपने ज्ञात विषय को उद्देश्य या अनुवाद को अंत में रखा है और जो अज्ञात है विधेय उसे प्रारंभ में रखा है अतएव ये रचना दोषपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदेहजनक हो गया है। अनुवाद मनुदिक्रिव न विदग प्रभुति विटमिंद न शजनकाश किश्वकुवशथिशरी शून्य अनुवाद नुक्तव न विधेय मुदीरियत न हालब्धास्पदम के जित कुत्रचित प्रतिष्ठती 58 अनुवाद। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना अज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए क्योंकि जिसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य ये श्लोक एकादशी तत्व से है। दिदीगली नकई हिडी कुक विथगश जगांतम तनोग अयशन जंचतर्थषण ऋग्य 757 द्वितीय श्री लक्ष्मी यहाँ द्वितीयत्व विधेय समासे गौण हैल शब्दार्थ गेव क्षय 59 अनुवाद। द्वितीय श्री लक्ष्मी शब्द में द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है। इस समास के बनाने से अर्थ गौण हो गया और अभीष्ट मूल अर्थ खो गया। छिली शंकक विथग छान शनफिल जमांदम नश्चीब मबछा झर्ष कमनिल विनांतक 70 द्वितीय शब्द विधेय ताहा पढ़ील समासे लक्ष्मी समता अर्थ करिल विनाशे 60 अनुवाद। चूंकि द्वितीय शब्द विधेय अज्ञात है अतएव इस समास में लक्ष्मी की समता का जो अभीष्ट अर्थ था वह नष्ट हो गया है। जबीराय विक्षग्रांशक हे तरहानन नांथ जांग्र अक्टनाय जांच रूम जावशाना 70 अभिमृष्ट विधेयांश एर दोषय नाम आर एक दोष आछे शुनसावधान 61 अनुवाद। न केवल अभिमृष्ट विधेयांश का दोष ही है अपितु एक अन्य दोष भी है जिसे मैं आपको इंगित करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। उवानी छडू गनरी बटन शो डिग्रा जद्दाया विक्र गछी कु नौ नांग थडे बटहम 72 भवानी भट्ट शब्द दिले पाया संतोष। विरुद्ध मति कृत नाम एड महादोष 62 अनुवाद। यहाँ पर एक अन्य महान दोष है, आपने अपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भट्ट शब्द रखा है किंतु इसमें विरुद्धमति कृत नामक विरोधाभास का दोष है। उवानी गंट्री कटश मशंटवन भरिंडनी डाव छड़ी कष्टिन छिजियोन छछी छतानी 77 भवानी शब्दे कहे महादेवे गृहिणी तार भरता कहिले द्वितीय भरता जानी 63 अनुवाद। भवानी का शब्दार्थ है शिवजी की पत्नी किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो इससे यह निष्कर्ष भी निकल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति भी है। गिव शग्यत छड़ी छेश खनिटच विक्रक विक्र गमछी कृत गैग गोटल नटश रक्त 78 शिव पली भरता एहा शून्यते विरुद्ध विरुद्धम मति कृत शब्द शास्त्र नहे शुद्ध 64 अनुवाद। ये सुनना विरोधाभासी लगता है कि शिवजी की पली का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से विरुद्धमतिकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। वानक शजब छछी षटर छपान शक्सनिटचे शम दिलीग छछी छान 79 ब्राह्मण पत्नीर भरतार हस्ते देहदान शब्द शून्य है द्वितीय भरता ज्ञान 65 अनुवाद। यदि कोई कहे कि ये दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो तो इन विपरीतार्थी शब्दों को सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण पत्नी को कोई दूसरा पति भी है। विध्वछी किग्नांग वोका भांज शुनाठ विटिनसिन जडउच सात गौर अडे भुनवैन पुबिन 77 विभवती क्रियाय वाक्य सार पुनः विशेषण अद्भुत गुना एर पुनराद दूषण 66 अनुवाद। विभवती फलती फूलती है शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है किंतु इसके विशेषण के रूप में अद्भुत गुना रखने से पुनरुक्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। दिन शो जनूथम टर्नथी अनुशिम्ब अंकशौंट नांदी अंधे दन्य दशन कर्ण 71 तीन पादे अनुप्रास देखी अनुपम एक पादे नहीं एर दोष भग्न क्रम 67 अनुवाद। इस एलोक की तीन पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है किंतु एक पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है, ये भग्नक्रम नामक दोष है। संशी सात दे ट्योंक आदत शक झंझांग सात दे 17 टप्तन च दश्यों कैन छांग शाम 77 ग्रंपी एड श्लोके आछे पन्य अलडार अज पन्य दोषे श्लोक कई छारखर 68 अनुवाद। यद्यपि इस एलोक में 5 अलंकार हैं किंतु इन 5 दोषों के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है। एगे जनकछांत यदि उक्षों किस अंकनाट जब झानकातुष्य रिग्म 77 दश अललद रे ग्रदी एक एलोक है एक दोषे सब अलहडार है क्षय 69 अनुवाद। यदि किसी श्लोक में 10 अलंकार हों किंतु एक भी दोष रहने पर पूरा एलोक व्यर्थ हो जाता है। जुन्मत गंती टेयटच छुबटने छूथिद अक्टश्वन कृति टेटच कन्नद्य विश्वी 10 सुंदर शरीर ग्रेछे भूषणे भूषित
एक श्वेत कुष्ठे ग्रैचे करिए विगीत 70 अनुवाद, किसी का सुंदर शरीर रत्नों से क्यों न अलंकृत हो, किंतु यदि श्वेत कुष्ठ का एक भी दाग दिखे तो सारा शरीर घृणित हो जाता है। तात्पर्य, काव्य अलंकार के विद्वान भरत मुनि ने इस संबंध में अपना मत निम्न प्रकार से दिया है। जमांग शात्र व कांव एक ट्राम युकु पांच विद्धश्रिद शगरोपशु आठ मुंशबनी शित तनकन एव छशेष दस रसलड्डार वत काव्यम दोष प्रोक्चेद विभूषितम स्थावपु सुंदरमपी शित्रेण कैन दुर्भभ 71 अनुवाद। जिस प्रकार गहनों से सुसज्जित शरीर श्वेत कुष्ठ के एक दाग से भी अशुभ हो जाता है, उसी तरह पूरी कविता अनुप्रास उपमा तथा रूपक से युक्त होने पर भी केवल एक दोष से व्यर्थ हो जाती है। भ प्रतिशत उयांचो वटुकूच व्ययम लुद्गतनकांत छिंजर्ष खल्छांत 19 पश्चर अलडारे एबेशुन विचार डव शब्दालहवार तीन अर्थ अलभार 72 अनुवाद। आप पांच साहित्यिक अलंकारों का विवरण सुने। दो शब्दलंकार हैं और तीन अर्थलंकार हैं। अंकतंकांत छिन शोटल जानदच खनुथोम दो नजरी बंटम शुनकर वशांछाश 17 शब्दालरार तीन पादे आछे अनुप्रास श्री लक्ष्मी शब्दे पुनरुक्त दभास 73 अनुवाद। एलोक की तीन पंक्तियों में अनुप्रास नामक शब्दलंकार है। श्री तथा लक्ष्मी शब्दों के समास में पुनरुक्त दभास शब्दलंकार है। अंशक छत्तन शक उ कॉन्ट्रॉफी उछीग छबनटगी शक टुग खिडी 14 प्रथम चरणे पन्य त कारे पाती तृतीय चरणे हय पश्य रैफ स्थिति 74 अनुवाद। एलोक के प्रथम चरण में त 5 बार आया है और तीसरे चरण में र 5 बार आया है। एजुष एबनटन छात्री छ कांग्र धन कौंग जय गंगानकांत जनुषोम 178 अतुच्चरणे चारी भ कार प्रकाश अतएव शब्दालड्डार अनुप्रास 75 अनुवाद। चौथे चरण में भ अक्षर 4 बार आया है। इस तरह एलोक में अनुप्रास नामक मधुर शब्दलंकार है। ललो बांक नचती बंटम चार का व फेक भूनकक थांग्र छाटम मदश शुनकक का 17 श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक वस्तु उक्त पुनरुक्त प्राय भास नहे पुनरुक्त 76 अनुवाद। यहाँ पी श्री तथा लक्ष्मी शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः पुनरुक्ति प्रतीत होती है किंतु पुनरुक्ति है नहीं। लियुचु नजरी जरतश जरश विच्छल शुनक्षेणा छाम जनकानकांत टछन 11 श्री ग्रुप्त लक्ष्मी अर्थ अर्थ विभेद पुनरुक्त अब्दाभास शब्दालड्डेवार भेद 77 अनुवाद। लक्ष्मी को श्री ऐश्वर्य युक्त कहने से पुनरुक्ति के साथ अर्थ में अंतर आता है। ये द्वितीय शब्दलंकार पुनरुक्त अब्दाभास है। नकीब्र जर्नीन क्लोत फशभा धन कौंग जांग्र जर्शींकवा जांच मायक वित्तांशो छांज 17 लक्ष्मी रिव अर्थालद्वार उपमा प्रकाश आर अर्थालद्वार आछे नाम विरोधाभास 78 अनुवाद। लक्ष्मी रिव लक्ष्मी के समांत में उपमा नामक अर्थलंकार है। एक अन्य अर्थलंकार विरोधाभास भी है। शैभाज कबन झटना भवान्स मुत्यात कमघटन जांत्र झमा अच्छघच वित्ताद 17 गढ़ाते कमल जन्मे सबार सुबोध कमले गढ़ जन्म अत्यंत विरोध 79 अनुवाद। ये सबको ज्ञात है कि कमल के फूल गंगाजल में खिलते हैं, किंतु ये कहना कि गंगा का जन्म कमल फूल से होता है यह अत्यंत विरोधाभासी प्रतीत होता है। हड विच शान शंत भंजांत उजंडी विवाइन क्लट ऐश मशन उमच कृषि 70 यहाँ विष्णुपाद पदों गढ़धार उत्पत्ति विरोध लड्डा रिहा महाचमत्कृति 80 अनुवाद। गंगा माता की उत्पत्ति भगवान के चरण कमलों से होती है। यद्यपि यह कथन कि कमल के फूल से जल आता है विरोधमूलक है, किंतु भगवान विष्णु के प्रसंग में यह महान चमत्कार है। छेबे वच्छी नेठन भाव थनकांग जैशंश विद्जांध नांडी वितांश झाछाम 70 ईश्वर अचिंत्य शक्ति गड़गर प्रकाश इहाते विरोध नाही विरोध आभास 81 अनुवाद। गंगा की उत्पत्ति में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण तनिक भी विरोध नहीं है, यद्यपि यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। सारे वैष्णव दर्शन की केंद्रीय बात भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना है। भौतिक दृष्टि से जो कभी कभी विरोधमूलक प्रतीत होता है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में समझने योग्य लगता है, क्योंकि वे अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा विरोधी कार्य कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक उलझन में है, वे इसकी भी व्याख्या नहीं कर सकते कि रासायनिक पदार्थों की इतनी बड़ी मात्रा से वायुमंडल कैसे बना। वैज्ञानिक कहते हैं कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मेल है, किंतु जब ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इतनी बड़ी मात्रा कहां से आई और किस तरह उनके मिलने से बड़े बड़े सागर बने, तो वे उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि वे नास्तिक हैं जो ये स्वीकार नहीं करते कि प्रत्येक वस्तु जीवन से आती है। उनका मत यह है कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है। इतने सारे रासायनिक पदार्थ कहां से आते हैं? इसका उत्तर यह है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके शरीर से अनेक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ नीमकुआई वृक्ष एक जीव है जो अनेकन बू उत्पन्न करता है और हर नीम्बू भीतर काफी सिट्रिक अम्ल होता है। इसलिए यदि एक शुद्ध जीव भी जो परमेश्वर का अंश मात्र है इतनी अधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में न जाने कितनी शक्ति होगी।
वैज्ञानिक पूरी तरह यह नहीं बतला सकते कि संसार के सारे रासायनिक पदार्थ कहाँ तैयार किए जाते हैं, किंतु भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करने पर इसे पूरी तरह समझाया जा सकता है। इस तर्क को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। जहाँ भगवान के अंशूप जीवों में इतनी शक्ति है, तो स्वयं भगवान में न जाने कितनी शक्ति होती होगी। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्याना चेतन श्वेतना नायक, वे नित्यों में नित्य हैं और सारे जीवों में प्रमुख व्यक्ति हैं। कट उपनिषद 2.2.13। दुर्भाग्यवश नास्तिकतावादी विज्ञान ये स्वीकार नहीं करेगा कि पदार्थ जीवन से उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक उनके इस सर्वाधिक तर्कहीन तथा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत पर बल देते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, भले ही यह बिल्कुल असंभव हो। वे अपनी प्रयोगशालाओं में सिद्ध नहीं कर सकते कि पदार्थ जीवन उत्पन्न कर सकता है, किंतु ऐसे उदाहरण हजारों हैं जो ये दिखाते हैं कि पदार्थ जीवन से आता है। अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितायत में कहते हैं कि एक बार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करने पर बड़ा से बड़ा दार्शनिक या वैज्ञानिक भी भगवान की शक्ति का विरोध करने वाला दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। अगले श्लोक में यही व्यक्त हुआ है। जम झुम्बुनि छतन छे कपनिश नाउझान जबुछाण्यु मुतुच्छति उबिश्री उन्यासी शोणतणा झुनबाषण नति छछा 74 अम्बुज मम्बुनी जात क्वचित पी न जात मम्बुजाम्बु मूर्भिदी तद्वठिप्रीत पादाम्भु जानमहा नदी जाता 82। अनुवाद: हर कोई जानता है कि कमल के फूल जल में खिलते हैं, किंतु कमल में जल कभी नहीं उगता। फिर भी ये सारे विरोधाभास कृष्ण में अद्भुत रूप से संभव हैं। गंगा जैसी महान द भगवान का चरण कमलों से निकली है। अयनात मधर भांश मानशन छाशंत्र विक्री शौटांजरी खनुभान खनझा 77 गज्जार महत्वत साध्य साधन ताहार विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलचभार 83। अनुवाद: गंगा नदी की असली महिमा यह है कि वह भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। ऐसी परिकल्पना अनुमान नामक अलंकार है। खून थड़े 233 चराम शक झनकांत मुक्त विफामृत यणी जांचटय झाशो जठत्तर स्थूल एड़पन्य दोष पन्य अलडार सूक्ष्म विचारीय ग्रदी आछे अपार 84। अनुवाद: मैंने 5 स्थूल दोषों तथा 5 साहित्यिक अलंकारों पर ही विचार किया है, किंतु यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो पाएंगे कि दोषों की गणना कर पाना संभव नहीं है। थडेडा कविच टछाम्भांग त्वछा थे मांटन जाविष्ठांत कांठा झबनो शिंफु टशान्य वांडत 77 प्रतिभा कवतियों मारत देवता वप्रस दे अविचार काव्य अवश्य पढ़े दोष बाधे 85। अनुवाद: आपको कवि कल्पना तथा प्रतिभा अपने आराध्य देव की कृपा से प्राप्त हुई है, किंतु यदि काव्य की ठीक से समीक्षा नहीं की जाती है तो वह निश्चय ही आलोचित होता है। विशांत्री कविछट तकटन श्यमु निर्मन जान डांग छरिंचटन जर्त कटत वानभन 47 विचारी कवित्व कैले हय सुनिर्मल सालटदार हेले अर्थ करे झिलमल 86। अनुवाद: यदि विचारपूर्वक कवित्व का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यंत निर्मल होता है और रूपकों तथा उपमाओं से वह चमकने लगता है। झनिग्ना थंधव वांशा मिश्य कवि विषी मूटिश मान निधमत वांग थछिछा झद्धियु 71 शून्या प्रभुर व्याख्या दिग्विजयी विस्मित मुखे ना निश्रे वाक्य प्रतिभा स्तंभित 87। अनुवाद: चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या सुनकर दिग्विजयी कवि हतप्रभ हो गया, उसकी सारी चतुराई जड़ बन गई और उसके मुख से शब्द ही निकल नहीं पाए। कष्टित छाम किशदु ना जाडटाम फेक्त उतय व्यांग मन छडेंगा संगकत 477 कहीं ते चाहे किछु ना ऐसे उत्तर तबे विचारे मने हड्या फौफर 88। अनुवाद: वह कुछ कहना चाहता था किंतु उसके मुंह से कोई उत्तर नहीं निकलता था, अतब वह अपने मन में इस उलझन पर विचार करने लगा। शेजुगा वानक देकन दांत बुशी टिलांश झामी भनबछी टांटव कबग निग्नांटशन टकांशे 74 पढ़या बालक कई मोर बुद्धि लोप जानी सरस्वती मोरे करियाछेन कोप 89। अनुवाद: इस छोटे से बालक ने मेरी बुद्धि को अवरुद्ध कर दिया है, अतएव मेरी समझ में आता है कि माता सरस्वती मुझसे रूठ गई हैं। तात्पर्य: भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सारी बुद्धि प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा रूप भगवान से आती है। परमात्मा ने पंडित को ये समझने की बुद्धि दी क्योंकि उसे अपनी विद्या का गर्व था और वह भगवान को भी पराजित करना चाहता था, इसलिए भगवान की इच्छा से तथा माता सरस्वती के माध्यम से वह पराजित हो गया। अतएव किसी को अपने पद का अधिक गर्व नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, किंतु यदि वह भगवान के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपनी विद्या के बावजूद ठीक से बोल नहीं सकेगा। हम सभी प्रकार से नियंत्रित हैं, अतएव हमारा एकमात्र कर्तव्य यह है कि सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण लें और झूठा गर्व न करें। माता सरस्वती ने दिग्विजयी पंडित पर कृपा करने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे वह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा सके। आठ्य बांका कब्रिल टम भनुट्यान मत बन की नियाची मूट्य ब्रडी वदल जानशंटन मवचछी 70 भरे व्याख्या करिल से मनुष्य नहे शक्ति निमाजी मुखे रही भले आपने सरस्वती 90। अनुवाद: इस लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या की है वह किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकती थी, अतएव माता सरस्वती ही उसके मुख से स्वयं बोली होंगी। श्री छदावी कटई खून निभाची श्रंडिच उए वान का रूनी जाम्बी षडय विषय 750 एत भावी कहे क्षुन निमाजी पंडित
तब व्याख्या सुनी। आमी हैला विस्मित 91 अनुवाद ये सोचकर पंडित ने कहा, हे निमाई पंडित, मेरी बात सुनो। आपकी व्याख्या सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। उयांझांत नानशी शंडद मानशी शौघान छांग कघटना चार जब जर्त कब्रिदिन थैकोंग उनचास अल्दलार नाही पर नाही शास्त्राभ्यास केमने ये सब अर्थ करिले प्रकाश 92 अनुवाद। मैं चकित हूँ, आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं और आपको शास्त्र पढ़ने का दीर्घकालीन अनुभव भी नहीं है, तो फिर आप ये सारी आलोचनात्मक बातों की व्याख्या कैसे कर सके। देश सनी मशंथंडू जची ये जजी डांडाग शब्युवानी कटश कबनी छन्नी सतहतर रिहाशुनी महाप्रभु अति बड़ रड्डी ताहार हृदय जानी कहे करी भर्दी 93 अनुवाद। ये सुनकर तथा पंडित के मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसी में उत्तर दिया, शतशब विछात छाल शंसांशी उवानी जनश्चरी टये वलांग्र टमझे वनी वांगी 78 शास्त्रे विचार भाल मंद नाही जानी सरस्वती ग्रे बलाए सदबली वाणी 94 अनुवाद। हे महोदय, मैं यह नहीं जानता कि अच्छी रचना क्या है और बुरी क्या है, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा है उसे माता सरस्वती द्वारा कहा गया समझा जाना चाहिए। छेषखनी विष्णी रई कब्रिल निन कगश गिज घान टर्वी टमाट हेकल शंत्रांझम 77 इहा शुनी दिग्विजयी करिल निश्चय शिशु द्वारे देवी मोरे कईल पराज 95 अनुवाद। जब पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से यह निर्णय सुना तो वह दुखी हुआ और आश्चर्य करने लगा कि माता सरस्वती ने उसे छोटे बालक के माध्यम से क्यों हराना चाहा। जानजी डांट्य नितुष्वी कबनी जयस्थान खिच घांट वैन ठ्याट व छज झाशमाना 47 आजी तारे निवेदिप करी जब ध्यान शिशु द्वारे कई मोरे ऐत अपमान 96 अनुवाद। उस दिग्विजयी ने सोचा, मैं सरस्वती देवी की स्तुति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा तथा उनसे ये पूछूंगा कि आपने इस बालक के माध्यम से मेरा ऐसा घोर अपमान क्यों कराया। वधु चाट मंशनडी जयुग दशीक कवनाशिन विषांग्र मभमन डीम युकि आशान नील एक वस्तुता सरस्वती अशुद्ध श्लोक करायल विचार समय तार बुद्धि आच्छादिल 97 अनुवाद। वास्तव में सरस्वती ने ही उस दिग्विजयी को अशुद्ध ढंग से अपना श्लोक रचने के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, जब श्लोक की व्याख्या हुई तो उन्होंने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई। ऊ गिसा शैब जब शांगिच नांगिन छा जवा निशि ब्रचु कविदत कशली 770 तबे शिष्य गण सब हासिते लागिल ता सबा निषेधी प्रभु कविरे कहिल 98 अनुवाद। जब वह दिग्विजयी कवि इस तरह परास्त हो गया तो वहां पर बैठे हुए महाप्रभु के सारे शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कवि को इस तरह से संबोधित किया, कोबी बर शडिच मशन कवि शित्यांगनी सौनभूत्य वांशिजांग्र अयदच कवा वांगी 77 तुमी बर पंडित महाकवु शिरोमणि झाड़ मुखे बाहिराय ऐछे कव्य वाणी 99 अनुवाद। आप बहुत बड़े पंडित तथा सभी महाकवियों में शिरोमणि हैं, अन्यथा इतना अच्छा काव्य आपके मुख से कैसे निकलता। आठ दाम्भांग्र कवि टयन भेजा झछल शांत डाबा मब कवि टकांशा नानशी टरुषी जांच 000 तोमार कवित्व ग्रेंगडा जलधार तोमा सम कवि कोथा नाही देखी 800 अनुवाद। आपका काव्य चातुर्य निरंतर प्रवाहित होने वाले गंगा जल की तरह है, मुझे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता जो आपकी बराबरी कर सके। उबद्धछी छायतनव जांग्र कान निश्तिंश दी जवा कवित्यर जांच टमांचेवन थनकांग 000 भवभूति जयदेव आर कालिदास ता सबार कवित्व में आछे दोषय प्रकाश 109 भवभूति जयदेव तथा कालिदास जैसे महाकवियों के काव्य में भी अनेक दोष हैं। हम विचलाटू उन कबली गानी कवित्शु कत्तन गछी ओ आंशतम वांधानी 209 दोष गुण विचार एठ अलकरी मानी कवित्व करने शक्ति ताहा से वाखानी 902 अनुवाद। ऐसे दोषों को नगण्य मानना चाहिए, केवल इतना ही देखना चाहिए कि ऐसे कवियों ने किस तरह अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया है। तात्पर्य श्रीमद्भागवत 1.5.11 में कहा गया है, तद्वग्विस्यो जनताग विश्लवो यस्सिन ग्रतिश्लोकं बध्वत्यपि नामसान्यनंत से यशो 5 दितानी यत अवती गायंती गुणंती साधव। भगवान महिमा का वर्णन करने में अनुभवहीन व्यक्ति अनेक दोषों से युक्त काव्य रच सकता है, किंतु उसमें भगवान का महिमागान होने से महापुरुष उसे पढ़ते सुनते हैं और उसका कीर्तन करते हैं। छोटी मोटी साहित्यिक त्रुटियों के होते हुए भी विषय की महत्ता के आधार पर काव्य को पढ़ना चाहिए। वैष्णव दर्शन के अनुसार कोई भी साहित्य जो भगवान की महिमा का गायन करता हो, चाहे वह ठीक से लिखा गया हो अथवा नहीं, सर्वोत्तम होता है। इसमें अन्य किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं है। भवभूति या श्रीकंठ की काव्य रचनाओं में मालती माधवु उत्तर चरित वीर चारित तथा अन्य अनेक संस्कृत नाटक सम्मिलित हैं। यह महाकवु नीलकंठ नामक ब्राह्मण के पुत्र रूप में भोजराज के काल में उत्पन्न हुआ था। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के समय फूले फले और राजकवि बने। उन्होंने लगभग 30-40 संस्कृत नाटक लिखे जिनमें कुमार सिंभव अभिज्ञान शकुतल था में एक दूत प्रसिद्ध हैं। उनका नाटक रघुवंश विशेष प्रसिद्ध है। जयदेव का विवरण हम आदिलीला के अंतर्गत 13वें अध्याय में दे चुके हैं। हंगव छाशना किछु मान अट जान बांग
गिनचान ममान घुजी मा ही दछागांत 007 शैशव चापल के छुनालबे आमार शिष्य समान मुझी ना है तो मार 103 अनुवाद, मैं आपका शिष्य भी होने योग्य नहीं हूँ। अतएव मैंने जो भी बालसूद दृष्टता की है उसे बुरा नहीं माने। जाछी वांजा गांड कानी भिनिव जावांत खलनिव तछा गौंग्र मूत्य गोच्छन विछाक 008 अजीवासा ग्राह काली मिले बाबार शुनिप तोमार मुखे शास्त्रे विचार 104 अनुवाद, कृपया घर जाएं। कल हम फिर से मिलेंगे ताकि मैं आपके मुख से शास्त्र संबंधी चर्चाएं सुन सकूं। अंडे बटच निज घटन टशेला पुजही झम कवि ब्रांट अप टैन मन्नत छडो जांग्रांथन 007 एड मते निज घरे गेला दुर्जन कवि रात्रे कई सरस्वती आराधन 205 अनुवाद। इस तरह कवि और चैतन्य महाप्रभु दोनों जन अपने अपने घर चले गए और कवि ने रात में माता सरस्वती का आराधन किया। गणचरी अत्य डांट्य फेषटन दैल मानकांज श्रिंत कबरी श्रद्धाभ्रक झतामिल 007 सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश कई साक्षातीश्वर करी प्रभु के जानल 106 अनुताल सरस्वती देवी ने स्वप्न में उसे महाप्रभु के पद की जानकारी दी और दिग्विजयी कवि यह समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। थोटच जानजी थन शंदन नशेंगंग ने ठंडू कुशो वकन डा शडल वकलन 001 प्राते आसी प्रभु पदे लड़ शरण प्रभु कृपा कई तार खंडल बंधेन 107 अनुवाद। दूसरे दिन वह कवि भगवान चैतन्य के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसके भौतिक आसक्ति के सारे बंधन काट दिए। तात्पर्य भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता यथारूप में उपदेश दिया है कि सभी परिस्थितियों में मेरी शरण में आओ। महाप्रभु ने भी उसी विधि का समर्थन किया। दिग्विजयी ने महाप्रभु की शरण ग्रहण की और महाप्रभु ने उस पर कृपा की। जिस व्यक्ति पर भगवान कृपा हो जाती है वह भौतिक बंधन से छूट जाता है, जैसा कि भगवद्गीता 4.9 में कहा गया है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन नैति मागेति 105 जुनी छाम्भोवट फिश्विजतनी जकल जीवन विष्टा वटन भोअन भषंत धत् छव 500 भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन विद्या बले पायल महाप्रभु चरण 108 अनुवाद। वह दिग्विजयी कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था। उसका जीवन उसकी विशद विद्या और पांडित्यपूर्ण अध्ययन कौशल के कारण सफल हुआ और इस तरह उसे चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हुई। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करने की सर्वोत्तम योग्यता है सर्वाधिक पतित होना, क्योंकि भगवान विशेष रूप से पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए थे। इस युग में पंडित तो बहुत थोड़े हैं, प्रायः सभी लोग पतित मांसाहारी शराबी जुआरी या व्यभिचारी हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी विद्वान नहीं माने जाते भले ही वे ऐसा दिखावा करते हों। चूंकि ये तथाकथित विद्वान सही तौर पर देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतितात्माओं का साथ देते हैं, अतएव वे सोचते हैं कि महाप्रभु केवल निम्न वर्गों के लोगों के लिए हैं और उन्हें महाप्रभु की आवश्यकता नहीं है। अतएव ऐसे विद्वान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते। इसलिए झूठे ज्ञान से गर्वित रहना कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने के लिए अयोग्यता ही है। किंतु यह ऐसा विशेष उदाहरण है जिसमें महान पंडित होते हुए भी दिग्विजयी कवि पर महाप्रभु ने कृपा की, क्योंकि उसने विनीत भाव से आत्मसमर्पण किया। और भव नीना वर्थि ग्रांटिम सुन्तावन फांज यूरो यकिदु विटय देई कब्रिल शैकांगे 007 ए सब लीला वर्णिया छिन वृंदावन दास में किछु विशेष यहाँ करिल प्रकाश 109 अनुवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन विशिष्ट घटनाओं को ही प्रस्तुत किया है जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। कैडना टनोनोचिष्ट नोना अश्रिछथांस जटवाकी जो छिग्लम्बटन गांशत्र 000 चैतन्य गोसाजर लीला अमृतधार सर्वेंद्रिय तृप्त है श्रवणे ग्राहार 110 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृतकण हर किसी सुनने वाले की इंद्रियों को तृप्त करने वाले हैं। लोकश वृधुनांश शंटल गाज खाणे कैचना छबनिडांगुज कटच कुकशण 000 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 111 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करता हुआ तथा उनकी कृपा की कामना करता हुआ मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला के 16वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ जिसमें महाप्रथु की बाल्य तथा कैशो लीलाओं का वर्णन है।